अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम इस टोटो का ब्रेक सही करने वाले हैं। आप देख सकते हो इधर ब्रेक मार के रखा है, फिर भी इधर चक्कर घूम रहा है। इसका जो व्हील है वो घूम रहा है, इसका मतलब है ब्रेक कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसका देखिए, ब्रेक मार के रखा था फिर भी घूम रहा था। तो चलिए इसको पहले व्हील को ओपन करते हैं। इसका जो ब्रेक रॉड है वो लास्ट घाटी में चला गया। उसको जो उसका बोल्ट रहता है उसको टाइट कर करके देखा तो फिर भी ब्रेक नहीं सही हुआ, तो इसको अंदर से सही करना पड़ेगा। देखता हूँ इसका ब्रेक शो ठीक है क्या, अगर ठीक होगा तो सही है, नहीं होगा तो इसको ये जो बोलेगा वैसा ही करेंगे। अगर नया बोलेगा तो नया लगा देंगे, नहीं तो दूसरा एक आइडिया है हमारे पास, वो करके देंगे। पुराना ब्रेक को ही हम इधर वेल्डिंग वाले के पास भेज देते हैं, उसके बाद वो लोग उसके ऊपर वेल्डिंग करके घिस के फिर दे देता है, हम उसको लगा देते हैं। वो नया ब्रेक शो से ज़्यादा चलेगा वैसा करके लगाएंगे। तो देखते हैं, पहले खोल के देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद चलिए इसका जो मेन नट है उसको खोल लिया, मोटा वाला जो नट है एक्सेल का, इसको खोल रहे हैं। अभी बारिश का टाइम है इसलिए खोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है, हर तरफ मिट्टी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। गाड़ी में भी मिट्टी है, पूरा कीचड़ है सब। चालू कर दो, ये जो ड्रम है वो बहुत टाइट है, वो जाम हो गया, इसलिए दो चार घा लगाना पड़ा उसको। गैप पे लगे था। अब इसको कूलर से खोलते हैं। कूलर से इजी खोल जाता लेकिन वो बहुत टाइट था, इसलिए कूलर में नहीं खोला, इसलिए दो चार उसमें हथौड़ा मारना पड़ा। तो चलिए इसको जो नट है, दो नट लगाऊंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं चारों लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आराम से खुल जाए। चारों नट को लगा दे रहा हूँ उसमें। चलिए नट लग गया, अब इसको खोलते हैं। इसको पहले मैं थोड़ा ढीला कर लिया, वीडियो को स्किप कर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए। चलिए इसका जो ड्रम है वो ओपन हो गया। इसको ड्रम को ओपन कर लिया, अब इसका जो ब्रेक शो है उसको निकालना पड़ेगा। नोज प्लस से पहले इसका एक लॉक रहता है उसको खोल लेता हूँ पहले। देखिए दोनों में, दो साइड में दो लॉक है। चलिए लॉक को खोल दिया, अब ये काजू पत्ती को खोल देता हूँ। उसके बाद अब ब्रेक शो को निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो ब्रेक शो में कितना कीचड़ लग गया, बहुत कीचड़ है ब्रेक शो में। अभी बारिश का टाइम है इसलिए ये देखिए कितना कीचड़ है इसमें। अब ये ब्रेक शो तो सही है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ब्रेक घिस घिस के जो पतला हो गया, इसलिए इसमें वेल्डिंग करना पड़ेगा। वेल्डिंग करेंगे तो हो जाएगा, बहुत कम खर्चे में होगा। एक वेल्डिंग का 10 रुपये लेगा तो दो का 20 रुपये लेगा। दोनों साइड का अगर करना है तो 40 रुपये में आपका फिटिंग हो जाएगा, पर अगर आपका नया ब्रेक शो लगाना है तो 250-300 पड़ जाएगा आपका। तो इससे अच्छा है कि देखिए ये वेल्डिंग मार के लाया, तो ऐसा करके मारना पड़ेगा। वेल्डिंग मार के फिर अच्छी तरह से प्लेन करके घिसना पड़ेगा इसको। तो ये जो किया, ये नया ब्रेक शो से भी ज़्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो ये ब्रेक शो स्मूथली चले इसलिए इसमें थोड़ा ग्रीस लगा दे रहा हूँ। ये ग्रीस लगा दिया,
अब इसको ब्रेक्सों को फिटिंग करता हूँ इसमें। ये ब्रेक्सों में थोड़ा लगा दे रहा हूँ ग्रीस ताकि ये भी थोड़ा स्मूथली चले। अब इसको फिटिंग कर लेता हूँ ब्रेक्सों को। ये थोड़ा अंदर डाल देता हूँ इसको। इसका एडजस्ट सही से करना है नहीं तो ड्रम में घिसेगा वो। अब देखिए ये जो ब्रेक्स को नया माल इसमें वेल्डिंग किया इसके चक्कर में ब्रेक्सों का जो ये रॉड है बहुत नीचे की तरफ चला गया। अब देखिए ड्रम भी नहीं घुस रहा है ब्रेक्सों में, ड्रम नहीं घुस रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये रॉड को खोल के उसको थोड़ा नीचे कर देना पड़ेगा। देखिए ब्रेक्सों का ये जो है ये उठा हुआ था देखिए। अब उसको खोल के थोड़ा उसका जो नट है उसको खोल के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ये रॉड के हिसाब से एडजस्ट करके फिर लगेगा, नहीं तो आपका ड्रम नहीं घुसेगा अंदर। उस तरफ नट को खोल के थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, तभी ये जो ड्रम है वो घुसेगा। देखिए उसको अब उसको खोल के थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ रॉड के हिसाब से, नहीं तो जो ब्रेक रॉड है वो उधर खींच के रहेगा तो आपका ड्रम घुसना नहीं चाहेगा उसमें। अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा उसको ड्रम के हिसाब से। मैं इसको लगा के ही एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये बराबर आ गया। अब इसको टाइट कर देते हैं। अब आपका जो ड्रम है वो आराम से घूमेगा, वो फ्री घूमेगा एकदम। और ऐसा ब्रेक अगर आप ऐसा करके लगाएंगे वेल्डिंग करके या गैस में जो गैस जाल होता है वो लगा के गैस टोस्ट जिसको बोलता है तो वैसा करके करेंगे तो आपका ये बहुत दिन चलेगा और ख़र्चा भी बहुत कम है। 50 रुपये में आपका दोनों तरफ का हो जाएगा ब्रेक्स सही। तो चलिए काजू पत्ती को लगा दिया। अब इसको लॉक को भी लगा देते हैं। अब दिखाएंगे इसका ब्रेक कैसा काम करता है। तो मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इससे टोटो रिपेयरिंग के बारे में और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल का बटन है उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ताकि मैं नया नया वीडियो जब अपडेट करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। देखिए कैसे स्मूथली घूम रहा है अभी। तो इसका जो लॉक है पेंसिल लॉक उसको लगा देते हैं। इसको ऐसे ही घुसा देंगे तो हो जाएगा, घुस गया। अब इसका जो नट है उसको लगा देते हैं एक्सेल का नट। इसका जो काम था वो फिटिंग हो गया। अब देखना है खाली ब्रेक कैसा काम कर रहा है इसको। और ऐसा अगर आप करेंगे तो उधर जो आपका ब्रेक रॉड है वो अगर कभी ब्रेक ढील हो जाता है थोड़ा बहुत तो जो ब्रेक रॉड में नट रहता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा टाइट कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका चक्का को लगा देते हैं।
इसका जो चक्का का नट है वो सब लगा दे रहा हूँ। ऐसा अगर आप काम करना चाहे तो आपका टोटो का काम घर पे ही कर सकते हो आप। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए कैसा काम कर रहा है। एकदम आराम से ब्रेक लग रहा है अभी, कोई झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। नया ब्रेक से बहुत अच्छा है अगर ऐसा करके आप चलाएंगे तो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो टोटो के बारे में तो कमेंट भी कीजिए। टेस्टिंग कर रहा है अभी तो, सही है, बराबर है एकदम। थैंक यू फॉर वॉच।